नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने ही चैनल स्टॉक पर। दोस्तों आपको तो पता ही है कि सीटेट के जब से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आए हैं तब से बीएड वालों के लिए बड़ी ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि हम प्राथमिक स्तर पे फॉर्म भरे नहीं भरे। तो मैं उनको यही बताना चाहूंगा कि मैं अभी कुछ पढ़ रहा था तो मैंने एक स्टेटस या एक कुछ न्यूज टाइप में देखा, बहुत लोगों ने वीडियोस वगैरह भी डाली थी, तो उसमें ये लिखा था कि जो एनसीटीई का, जो एनसीटी आपको पता ही होगा, एनसीटी ने जो ये बोला था कि जो बीएड वाले हैं वो भी भर सकेंगे प्राथमिक स्तर यानी कक्षा एक से लेके पांच तक की कक्षाओं में, यदि उन्हें टीटी का पेपर देना है तो वो भर सकते हैं। लेकिन सीटेट का जब से नोटिफिकेशन आया है तो उनके नोटिफिकेशन में भी जब आया था तीन बार उनका नोटिफिकेशन बदल गया। पहले उन्होंने बोला कि भाई हम एलिजिबल नहीं करेंगे, फिर इन्होंने एलिजिबल किया, फिर इन्होंने हटा के एलिजिबल ये कर दिया कि एलिजिबल नहीं है। अब इसमें दो रीजन हो सकते हैं, मैं पहले आपको पूरी चीज बता दूं है कि एक्चुअली एनसीटीई का क्या आया था 28 जून को आया था, पर इनका जो टैट का जो आया था, सी टैट का जो आया था, शायद 22 जून को। अब तो अगर ये सोचते हैं कि जो एनसीटीई का वो बाद में आया है और हमारा पहले आया है तो अलग बात है, लेकिन होना तो तब भी चाहिए बीएड वालों को एलिजिबल। अब मैंने जो पढ़ा मैं आपको बताता हूँ, उसमें ये लिखा था कि इनकी मीटिंग वगैरह हुई थी, इनके सचिव मतलब जो मेन है इनके जो हेड है, इनकी मीटिंग हुई और इन्होंने ये कहा था कि जो एनसीटीई ने जो आदेश दे दिया है कि जब बीएड वालों को उन्होंने एलिजिबल कर दिया प्राथमिक स्तर पर तो सभी को एलिजिबल करना चाहिए, चाहे सीबीएसई हो चाहे कोई भी हो, सभी को एलिजिबल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब सीटेट का पेपर हो रहा है तो वहां पे भैया एलिजिबल दिखाई नहीं रहे कि बीएड वाले भर सकते हैं या नहीं। अब बीएड वाले भी परेशान हो गए कि भाई क्या करें, करें तो करें क्या, अभी बड़ी दिक्कत हो रही है इसमें। अब दोस्तों उसमें ये लिखा था कि एनसीटीई के द्वारा जो आदेश मिला है उसके तहत जितनी भी चीजें जो भी एलिजिबिलिटी है वो बीएड वाले प्राथमिक स्तर पर भरेंगे, उसमें ऐसा लिखा था। मैं ये शो एश्योरिटी नहीं कर रहा हूँ कि भाई होगा ही होगा, लेकिन उसमें ये भी था कि अगर ऐसा है तो 24 घंटे के अंदर अंदर साइट पे जो है अपलोड कर दिया जाएगा कि भाई बीएड वाले भर सकते हैं कि नहीं, और जहां तक अंदाज है आपको एक या दो दिन में पता चल भी जाएगा कि भाई आप भर सकते हो या नहीं। और मेरे अंदाज से जहां तक मेरा ओपिनियन है बीएड वालों को भरने का मौका दिया ही जाएगा, क्योंकि जब एनसीटी ने ये बोल दिया है कि बीएड वाले एलिजिबल हैं प्राइमरी में भरने के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी कुछ टाइम पहले त्रिपुरा में भी टीटी का जो एग्जाम हुआ था कैंसिल, जो नोटिफिकेशन आया था तो उसमें भी बीएड वालों को एलिजिबल दिखाया गया, जब त्रिपुरा के टीटी में दिखाया है और भी कई राज्यों ने ये चीज मानी है। तो होगा क्या फिर जब सीटेट को भी ये चीज माननी पड़ेगी, आपको इसका रिजल्ट एक या दो दिन में दिख भी जाएगा, और जब उनका नोटिफिकेशन आएगा इस संबंध में कि बीएड वाले एलिजिबल हैं तो मैं आपको वीडियो में डाल के ये इन्फॉर्म भी कर दूंगा। तो बस दोस्तों मुझे यही कहना था, और एक चीज मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जो जितने भी बीएड वाले स्टूडेंट अभी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी जो है 27 है उनकी लास्ट डेट, अगर आप चाहें तो एक दो दिन रुक के फॉर्म भरें, क्योंकि अभी 8 तारीख है आज और 27 आपकी लास्ट डेट है, तो आप क्या करिए कि एक दो दिन रुक के करिए, दो एक दिन, जब तक कि इनका थोड़ा क्लियर नहीं होता, क्योंकि असमंजस की स्थिति हुई है। क्योंकि आपका क्या होगा, अभी अगर आप फॉर्म भर देते हो तो पेपर टू के लिए भरोगे, पेपर वन आप भर नहीं सकते, पेपर टू के लिए जब आप भरोगे तो आपने मान लो कहीं से एंटर लिया है, अब जब आप पेपर वन दोबारा भरोगे, पेपर वन जब आपको पता चलेगा प्राथमिक स्तर वाला दे सकते हैं, तो कहीं पता चले आपके दोनों पेपर के सेंटर अलग अलग हो जाए, तो इसमें रिस्क है आपका। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एक दो दिन रुक के कर भरिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए, आप दोनों पेपर फिर साथ ही में भर दीजिएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।